तो गाइस एक बार ये चेक करो भाई, इस टाइम भाई मैं हूँ कहाँ पर। इस टाइम गाइस यार मैं वाटर पार्क पे हूँ। और गाइस यहाँ से एक बार नजारा चेक करो भाई, क्या ओपी नजारा रहा है। और आपको पता है गाइस इस वाटर पार्क पे कितने लोग हैं? सिर्फ और सिर्फ गाइस तीन लोग हैं, एक मैं, एक सिंचन और एक चिंटू भाई। सिर्फ और सिर्फ हम तीन लोग हैं। आज के दिन गाइस ये वाटर पार्क ना भाई क्लोज रहता है, लेकिन गाइस हल्की भाई इस वाटर पार्क के ओनर से जान पहचान थी, इसलिए गाइस उसने भाई हमारे लिए ओपन करा रखा है। हम पूरे दिन गाइस मौज मस्ती कर सकते हैं भाई यहाँ पर। पिछली बार गाइस जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो यहाँ पर बहुत सारी ऑलरेडी भीड़ थी भाई, और सही ढंग से गाइस हम एंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज फाइनली गाइस यहाँ पर कोई भी नहीं है भाई, हम जितनी मर्जी यहाँ पर रह सकते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी कर सकते हैं। मेरे को तो गाइस सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और तो और गाइस यहाँ पर आज हल्क भी नहीं है भाई, सिर्फ हम तीन ही लोग हैं। जो मर्जी करो भाई, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ मर्जी कर सकते हैं। अरे फ्रेंगल भाई एक बार इधर आओ यार, ये चेक करो फ्रेंगल भाई, यहाँ पर लिटिल सिंगम है। लिटिल सिंगम? अरे लेकिन लिटिल सिंगम को किसने बुला दिया सिंचन? अरे मैंने बुलाया था। और वेट, अभी तो मैं ये सोच रहा था गाइस सिर्फ और सिर्फ तीन लोग हैं, अभी सिंचन ने बोला लिटिल सिंगम, और ये कौन है? अरे बताओ बताओ क्या लोगे? अरे भाई साहब आप हो कौन? अरे इस दुकान पे रहते हैं हम, कुछ चाहिए तो बताओ। अरे तेरी दुकान पे ऐसा है क्या भाई, ये पोस्टर वगैरह से मैं क्या करूंगा इनका? यार थोड़ी सी गड़बड़ सी हो गई गाइस, मुझे तो लगा सिर्फ और सिर्फ भाई हम तीन लोग हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं गाइस हम तीन लोग नहीं, अब तो हम यहाँ पर भाई पांच लोग हो गए। एक ही दुकान का ओनर हो गया, तीन हम हो गए और एक लिटिल सिंगम हो गया। अरे भाई साहब आप डर क्यों रहे हो मेरे से? अरे हमें मारने मत, हम दुकान बंद करके जा रहे हैं। हाँ जल्दी जा, वैसे भी तू यहाँ पर ना थोड़ना रहा, मैं सिंचन चिंटू और लिटिल सिंगम हम सभी लोग यहाँ पर नहाने वाले हैं। ये क्या चीज है भाई यहाँ पर, ये सीढ़ियां क्या कर रही हैं भाई? सीढ़ियों का यहाँ पर है क्या काम? आई थिंक गाइस ये ना भाई सीढ़ियां नहीं है भाई, इन पर ना गाइस कपड़े सुखाए जाते हैं। हाँ गाइस अगर हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं ना, तो भाई हम सुखा सकते हैं। और फ्रैंकल भाई एक बार ये चेक करो मेरे डांस, तुम्हें पता है हल्क भैया नीचे मिले, हल्क भैया ने परमिशन दिलाई है मेरे को ऊपर आने की, इसलिए तो मैं ऊपर आ गया। अरे चल लिटिल सिंगम, अब भाई तू मेरे को दूसरी टाइप का डांस करके दिखा। आज तो ये लिटिल सिंगम को मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला, मैं लिटिल सिंगम से बोलता हूँ वाटर पार्क कभी मत जाइए, लेकिन ये मेरी सुनता नहीं है, डेली वाटर पार्क आ जाता है। एक बार बस ये मेरे को दिख जाए, उसके बाद इसे इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, आज तक मैंने इसे इतना ही मारा नहीं होगा। कहां है दिख गया? अच्छा तो डांस कर रहा है मेरा बेटा यहाँ पे लिटिल सिंगम, आज तुझे मेरे से कोई नहीं बता सकता। अरे लिटिल सिंगम की पापा ने वैसे ये ले बेवकूफ, कहीं के यहाँ डांस कर रहा है तू, और किससे पूछ के यहाँ पर आया? अरे पापा जी नमस्ते। नमस्ते के बच्चे, तू ये बता आखिरकार तू यहाँ पर कैसे आया? अरे पापा जी मारो मत सिंचन के सामने, पापा जी घर चल के मार लेना। सॉरी पापा जी, तू घर चल, यहाँ पर तो तेरे को बस इतना ही मारा हूँ, तू गाड़ी में बैठ। तेरे को हमेशा मना करता हूँ कि मेरे बिना पूछे कहीं चला मत जियो, लेकिन डेली मेरे बिना पूछे तू यहाँ वाटर पार्क आ जाता है। और ये लगता है सिंचन आज तो लिटिल सिंगम सिंचन घर पे चल के भाई बेल्टों से पिटेगा। अरे हाँ फ्रिंगल बेस के पापा ना बहुत ही खतरनाक है, इसे ना डेली मलते हैं। अरे पापा जी अब घर चलो फटाफट से, वहां मेरे को जितना मर्जी मार लो, लेकिन मेरे दोस्तों के सामने मत मारा करो। अच्छा उल्टा बोलेगा उल्टा, चल तू चल फटाफट से, इस बिल्डिंग पे आने को तेरे से मना करा है, सोच अगर किसी दिन इस बिल्डिंग से नीचे गिर गया तो तेरा होगा क्या? अरे मैं तो दो बार गिर भी चुका हूँ गाइस, मैंने ना यहाँ पर यार काफी सारे यार वाटर बलून फुला लिए थे, अब एक काम करता हूँ सारे के सारे वाटर बलूनों को ना यार पानी के अंदर फेंक देता हूँ। लेकिन सिंचन इससे तेरे को मिलेगा क्या ये तो बता? अरे कुछ नहीं बस फ्रैंकल भाई मजे आएंगी, एक एक करके गए सारे के सारे वाटर बलून पानी के अंदर फेंकता हूँ। और चिंटू ये बता आखिरकार कितनी दूर फेंकू? सिंचन अगर तेरे में दम है ना तो इस बिल्डिंग से नीचे फेंक के दिखा दे तू। तो सिंचन भाई मैं तेरे को मान जाऊंगा, हाँ भाई सिंचन तू है ना भाई ओपी। अरे लेकिन ये क्या कर दिया मैंने गए, थोड़ा बहुत तो खाड़ दिया, अब तुम देखो फ्रैंकल भाई कितनी दूर दूर फेंकूंगा ये वाटर बलून, चिंटू की खोपड़ी पे मार दो क्या फ्रैंकल भाई? बस तुम्हें एक बार इजाजत दे दो। अरे ये कौन है जो मेरे को बाहर बुलाना चाह रहा है? काफी देर से पानी में कुछ फेंका जा रहा है, इसका मतलब कोई तो बाहर है जो मुझे बाहर बुलाना चाह रहा है, चलो चल के देखते हैं। ओ वीट सिंचन, अरे बाप रे ये कौन है सिंचन? अरे भाई कितने लोग हैं इस वाटर पार्क में, मुझे तो लग रहा था सिर्फ हम तीन ही है। अरे तुम हो कौन, मुझे क्यों तुमने बाहर बुलाया? मैं एक जल मछली हूँ, बताओ मुझसे तुम क्या चाहते हो? क्या जल मछली? अरे नहीं भाई तुम कहाँ से जल मछली हो सकती हो भाई, आप तो मेरे को मछली लगनी थी। अरे तुम बताओ आखिरकार तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? अरे जल मछली नहीं हो भाई आप, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन गाइस ये थोड़ी अलग टाइप की लड़की, एक बार चेक करना भाई इसके कितने बड़े बड़े पंखे हैं। अरे मुझे तो फ्रैंकल भाई यार इससे डर लग रहा है, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया बस तुम इतना बताओ। भाई हमने तुमको बाहर नहीं बुलाया, आप तो ऑटोमेटिक बाहर आई हो। अरे नहीं पहले तुमने पानी में कुछ फेंका, जो भी पानी में कुछ फेंकता है उसके बाद मैं बाहर आती हूँ और उसकी इच्छा पूरी करके जाती हूँ। क्या कहा इच्छा पूरी करके जाते हो? अरे वाह ये तो काफी अच्छी बात है। अरे चलो फ्रैंकल भाई फटाफट से इच्छा पूरी कर लो। गाइस यार हमको यार डेली यार गर्मी में ना इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना पड़ता है भाई वाटर पार्क में, तो एक काम करता हूँ, आपने एक काम करो यहाँ पर ये जो वाटर स्लाइड है ना, आप इस वाटर स्लाइड को ना मेरे घर पर पहुंचा दो, उसके बाद हमें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर पे मस्त करके नहाया करेंगे। अरे हाँ फ्रैंकल भाई ये तुम सही कह रहे हो, तो ठीक है तुमने मुझसे जो भी इच्छा मांगी तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करती हूँ, तुम्हारे घर पे यहाँ की वाटर स्लाइड पहुंच जाएगी और तुम वहां जाके एंजॉय कर सकते हो। वाह यार ये हुई ना बात, लेकिन भाई मैं अब तुम पे विश्वास कैसे मानूं कि तुमने जो बोला है वो हो जाएगा? मेरे को भाई तुम पे बिल्कुल विश्वास
विश्वास नहीं है मेरे को, तुम विश्वास दो। ओ सिंचन वो कहाँ गई? अरे बाप रे गाइस, यार वो तो सच में गायब होगी। इसका मतलब सिंचन पक्का भाई, वो वाटर स्लाइड सिंचन हमारे घर पे पहुंच गई होगी। अरे नहीं पहुंची फ्रेंगल भाई, एक बार वहां चेक करो ना, वहां पर तो ऑलरेडी यार वो वाटर स्लाइड लगी हुई है। अरे सिंचन मुझे लगता है भाई हमारे घर के ऊपर सिंचन यार वाटर स्लाइड पहुंच ही गई होगी। बेशक गाइस यहाँ की नहीं पहुंची, लेकिन हाँ गाइस वो देखो यार, वो जो लड़की थी भाई वो अचानक से गायब होगी। इसका मतलब तो यही है सिंचन कि उसके अंदर भाई सिंचन कोई पावर एक्टिवेट हो रखी है। और सिंचन भाई मेरे को लगता है अंदर से कि भाई पक्का सिंचन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भाई अपने घर पे। तो लेट्स गो गाइस, अभी भाई हम तीनों निकल रहे हैं भाई इस बिल्डिंग से नीचे और चल के देखते हैं भाई अपने घर पे कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ। अरे वाह यहाँ का नजारा देखो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ना ये वाटर पार्क। हाँ सिंचन कुछ भी कहे, ये वाटर पार्क तो सिंचन भाई सबसे यूनिक है भाई अपने लॉस सैंटोस का। और गाइस जब तक हम अपने घर पे पहुंच रहे ना, आप लोग गाइस जब तक यार वीडियो को लाइक कर दो। अरे हाँ गाइस यार, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और वैसे कुछ भी कहे सिंचन भाई, अपनी गाड़ी भी सिंचन एकदम ओपी लग रही है। और गाइस ये गाड़ी भाई काफी ज्यादा लंबी है, वैसे तो इसमें चार लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ और गाड़ियों से यार ये वाली गाड़ी गाइस काफी ज्यादा लंबी है भाई। तो गाइस यार अभी हम अपनी गली के अंदर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सिंचन भाई मेरे को तो दूर दूर तक सिंचन कहीं वाटर पार्क दिखाई नहीं दे रहा। अरे फ्रेंगल में वो चेक करूँ यार, ओ फाइनली गाइस अपने घर के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ गाइस अपने घर के जस्ट पीछे गाइस वहां पर वाटर स्लाइड तो आ गई है। इसका मतलब सिंचन भाई वो जो भी सिंचन जल मछली थी सिंचन वो तो काफी ओपी थी यार, मजा ही आ गया। इसका मतलब सिंचन भाई उससे मैं कुछ और भी बोलता तो सिंचन वो रियल में हो जाता। और क्या फ्रेंगल भाई, अगर तुम मुझसे बोलते ना कि तुम्हारे पास यार बहुत सारी सुपर कार आ जाए तो पक्का फ्रेंगल भाई तुम्हारे पास बहुत सारी सुपर कार भी आ जाती। कोई टेंशन नहीं सिंचन, पहले भाई यहाँ पर चल के फुल टू फुल मजे करते हैं, उसके बाद सिंचन दोबारा चलेंगे भाई बिल्डिंग के ऊपर और वहां पर चल के सिंचन दोबारा से तू भाई वाटर बॉल फेंकियो, क्या पता सिंचन भाई वो दोबारा से वहां पर आ जाए। अरे हाँ सही कह रहे हो, और दोबारा से आगी ना उसके बाद बोलना कि हम बहुत अमीर हो जाए, फिर तो पक्का यार हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो गाइस अभी हम ऊपर तो आ चुके हैं, अब बारी है गाइस यहाँ से स्लाइड करने की। तो सबसे पहले तो सिंचन भाई मैं ही जा रहा हूँ, उसके बाद तुम डिसाइड करना तुम दोनों में से कौन आएगा। अरे ठीक है फ्रेंगल भाई बेस्ट ऑफ लक। अरे वाह सिंचन ये वाली वाटर स्लाइड भी काफी बढ़िया है, लेकिन गाइस मैं रुक कैसे गया, लेट्स गो दोबारा से स्लाइड करते हैं। और ये लो भाई गर्मी में तो गाइस इसी चीज में मजा आता है भाई, आराम से बस यार स्लाइड करते रहो पानी के ऊपर और डायरेक्ट गाइस जब हम पानी के अंदर गिरेंगे ना तो और ही मजा आ जाएगा। लेकिन गाइस मैं ज्यादा स्लाइड नहीं कर पा रहा यार, बीच बीच में गाइस मैं अटक जा रहा हूँ। और ये चेक करो अभी भी भाई मैं इस पे भाग रहा हूँ यार, ये तो सिंचन भाई काफी गलत हो रहा है। इसका मतलब तुमने ना गलत स्लाइड चूज करी है, यहाँ पर फ्रेंगल पे दो स्लाइड है, मैं तो यार दूसरी वारी में जाऊंगा। अरे ये चेक कर सिंचन भाई, दोबारा से भाई मैं स्लाइड करने लग गया, लेकिन गाइस वो मजा नहीं आ पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ और उसके बाद दोबारा गिर रहा हूँ। अब तो गाइस मेरे को सिर्फ भाई नीचे पहुंचना है, मुझे नीचे पहुंचा दो भाई कोई जल्दी से। चलो फाइनली गाइस नीचे पहुंचने वाला हूँ और लो भाई पहुंच गया। अरे वाह फ्रेंगल भाई तो नीचे चले गए, अब मैं जाऊंगा। अरे चिंटू तू क्यों जा रहा है? अरे चाचू अब मैं जाऊंगा, देखो मैं मस्त रपटते हुए जा रहा हूँ। वाह क्या मजा आ रहा है स्लाइड करने में। अरे बचाओ मुझे, मैं नीचे कैसे गिर गया, मेरी हड्डी टूट गई। और सिंचन क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ फ्रेंगल भाई, चिंटू भाई ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिर गया। अरे लग गई। चलो गाइस अब मेरी बारी आ गई भाई, चिंटू तो यार नीचे गिर गया लेकिन फ्रेंकल भैया भी यार गलत स्लाइड में गई थी। फ्रेंकल भैया तो यार स्लाइड कर ही नहीं पाए, मैं जाऊंगा इस वाली से। इसमें गाइस देखो क्या मजा आ रहा है भाई, मैं तो कहीं पे भी नहीं अटका, डायरेक्ट देखना नीचे आके रुका हूं, मजा ही आ गया। लेकिन गाइस खोपड़ी उल्टी पुल्टी होगी भाई मेरी। वैसे सिंचन बुरा मत मानियो भाई, ये जो तेरी खोपड़ी है ना सिंचन, ये मेरे को फुटबॉल जैसी लगती है। ज्यादा मत बोला, मेरी खोपड़ी को फुटबॉल बता रहे हो। और ये लोग गोल गोल घूमते हुए गाइस मैं तो पानी के अंदर गिर गया। वाह यार सच में गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। अब वहां सब कलुआ जो है वहां सब उस बिल्डिंग पे जाता है वहां सब वाटर पार्क पे मजे करने के लिए, लेकिन वहां सब कलुए को नहीं पता कि वहां सब यहाँ पर भी एक वाटर पार्क खुल गया। चलो एक काम करता हूँ ऊपर जाता हूँ और ऊपर चल के वहां सब बहुत मजे करूंगा, उसके बाद कलुए को बताऊंगा जब कलुआ घर पे आएगा कि हमारे घर के पास भी नया वाटर पार्क खुला है। चलो वहां मैं ऊपर तो आ गया हूँ। ओ वहां सब कलुए तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे चौप तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अब वहां सब वो तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ना। अरे चौप तुझे पता है भाई ये जो वाटर पार्क है ना ये भाई हमने खुलवाया यहाँ पे। अच्छा फिर तो वहां सब मैं भी वाटर सब फटाफट से नहा लेता हूँ, उसके बाद वहां सब मेरे को स्वीट से मिलने जाना है। लेट्स गो देखते हैं गाइस आखिरकार चौप किस तरीके से जाने वाला है। और चौप ये क्या कर दिया तूने भाई? चौप ने इतनी ऊंची जंप कैसे लगा दी सिंचन? अरे अगर ये पानी में नहीं गिरा फिर तो ये मरा। ओले बास अब मेरी तो खोपड़ी उल्टी पुल्टी होगी। बास अब कलुए मेरे को हॉस्पिटल ले जा। बास अब मैं स्वीट से कैसे मिलूंगा? बास अब मुझे तो नहाना था। चलो एक काम करता हूँ भगते भगते पानी में चल जाता हूँ, बढ़िया करके गर्म पानी है मजा ही आ गया। चलो गाइस जरा मैं दुआ से जाने वाला हूँ। और सिंचन मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, जो अपनी कार है सिंचन कार को भी हम ला सकते हैं, लेकिन गाइस कार भाई काफी ज्यादा स्पीड से जाएगी फिर तो नीचे की तरफ। बढ़िया यार ये वाली स्लाइड है ना गाइस काफी ओपी भाई, बिल्कुल भी मैं कहीं पर गाइस अटका नहीं हूँ, एकदम नीचे आके रुका हूँ। दूसरी वाली जो स्लाइड है गाइस उसमें भाई मैं हजार बार रुक गया भाई बीच में, आराम से गाइस मैं स्लाइड कर ही नहीं पाया। अब ऊपर जाता हूँ और ये लो भाई क्या बढ़िया भाई मजा ही आ गया। ये लो पानी में भी गिर गया। सिंचन आजा भाई आजा तेरी बारी, देखता हूँ भाई इस बार तू किस तरीके से स्लाइड करने वाला है। चले ठीक है फ्रेंकल भैया अब मैं चिंटू को लेके आ रहा हूँ। अरे क्या सिंचन तुम दोनों
आने वाले हो क्या एक साथ? और क्या चिंटू को गैस मैंने अपनी यार गोदी में उठा लिया है। चल चिंटू भाई अब स्लाइड करने की बारी होगी। अरे चाचू थोड़ा आराम से, मुझे डर लग रहा है, गिरा मत देना। अरे लो गिर गया गिर गया गिर गया। अरे नहीं गिरा यार, मैंने तुमको पकड़ रखा है। अरे वाह मजा ही आ गया गैस, एक ही बारी में भाई हम दोनों ने जंप लगाई। और पानी बहुत ज्यादा गर्म है यार यहाँ का तो। चलो गैस अब मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। लेट्स सी गैस, देखते हैं आखिरकार भाई अगर मैं स्लाइड से गैस गाड़ी को लेकर जाऊंगा तो भाई अपनी गाड़ी किस स्पीड से जाने वाली है। तो ठीक है भाई मैं लेके जा रहा हूँ 1 2 3। वैसे गैस डर तो लग रहा है यार, मेरी गाड़ी कहीं खराब तो नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी गैस चलते हैं। और ये चेक करो भाई क्या सिंचन मजे आ रहे हैं यार। और असली बात तो मतलब अच्छी बात तो गैस ये है कि भाई अब मैं जब पानी के अंदर गिरूंगा ना मैं तो गीला भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो जस्ट यार गाड़ी के यार अंदर बैठा हुआ हूँ ना। बढ़िया यार मजे ही आ गए। लेकिन वेट भाई गाड़ी का तो एक डोरी टूट गया। अरे लो भाई जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे लो खराब कर दी गाड़ी। अरे सिंचन अब लगता है भाई मेरे को एक क्रेन बुलानी पड़ेगी। अब तो इस गाड़ी को भाई क्रेन ही बुलाएगी। गैस मेरा गलत डिसीजन था भाई, अब तो गाड़ी भाई पानी के अंदर डूब चुकी है यार। जल्दी जाके गैस क्रेन को बुला के लाता हूँ, वही भाई मेरी गाड़ी को बाहर निकल पाएगी। भाई गाड़ी काफी ज्यादा महंगी है। और हाँ गैस यार जब तक मैं क्रेन को बुलाने जा रहा हूँ आप लोग गैस जब तक यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गैस बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं गैस आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब गैस प्यारा वाला बाय।